और सभी साथियों को नमस्ते। अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में, जिसमें हम अभ्यास कर रहे हैं कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस को देखने का, चैतन्य से चैतन्य को देखने का। तो जस्ट मैं ब्रीफली एक बार समअप कर देता हूँ पूरी बात को, फिर उस पर ध्यान देते हुए हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस की शेयरिंग रखेंगे। तो चैतन्य से चैतन्य को देखने का काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चैतन्य से जड़ को और फिर सअस्तित्व और शून्य को, इस तरह से पूरी अस्तित्व तक हम लोग ध्यान देने का अभ्यास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मैं स्वयं को देख लूँ ना, इसलिए अभ्यास वन को हम लोग कर रहे हैं। तो स्वयं में भी देखेंगे तो कल्पनाशीलता को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए देखने का प्रयास करें क्योंकि वो इजिली दिख जाती है। उसमें भी देखेंगे तो इच्छा भी चल रही है, विचार भी चल रहा है, आशा भी चल रहा है। तो जब हम ध्यान दे रहे हैं और हमारी ध्यान देने की सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, तो हम आशा से विचार, विचार से भाव ना, और भाव तक जाके उसका ठीक से मूल्यांकन करना। तो ये भाव तक पहुंच पाए, फिर उसका ठीक से मूल्यांकन कर पाए, इसके लिए हम लोग हर दिन अपने ऊपर ध्यान बनाए रखने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में इस बात को भी हम लोग बार बार रख रहे हैं और सबका ध्यान भी गया है कि जब हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया में नहीं जाएं, यानी कि कुछ सहज चल रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो उसको बनाए रखने का प्रयास ना करें, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है उसको हटाने का प्रयास ना करें। तो स्टेप वन में इतना ही कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। स्टेप टू में देखेंगे, स्टेप टू में हम ये बात कर रहे हैं कि ये भाव जो हम देख पा रहे हैं, ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है, ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है, मैं इसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं। तो जब ये भी अपने से पूछ रहे हैं तो भी हमको इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम रिएक्शन नहीं दे रहे, ना प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। तो अगर मुझे आंसर मिलता है कि इस भाव की निरंतरता मैं नहीं बनाए रखना चाहता हूँ तो उस पर हटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, अगर ये आंसर मिल रहा है कि मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ तो उसको बनाए रखने के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे, तो ये प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है ना? और फिर इसके साथ स्टेप थ्री में हम लोग नेक्स्ट बात ये कर रहे हैं कि ये जो भाव मेरे में है, मैं आराम में हूँ या परेशान में है, संगीत में हूँ या अनसंगत में हूँ, सुखी हूँ या दुखी, ये 1 2 3 के साथ हम ध्यान देने का काम कर रहे हैं। ध्यान देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो हैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस है, सुख दुख है, हमारी कल्पनाशीलता में, इसलिए अगर हम उसको ध्यान देंगे तो हमको धीरे धीरे क्लियर होगा कि ये जो सुख दुख अपने में चल रहा है, इसके बीज रूप में देखेंगे तो भाव बना हुआ है। तो भाव संबंध का होता है, तो विचार एक तरह से फैलता है, एक तरह से हम सिलेक्शन करते हो। भाव विरोध का होता है, तो विचार एक तरह से फैलता है, फिर हम अलग तरह के शब्दों, अलग तरह के चीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो जो बीज रूप में पड़ा हुआ है वहां जाकर अगर हम ठीक से मूल्यांकन कर ले तो ये विचारों में जो फैल जाता है वो काफी सिमट सकता है। तो इसलिए हम लोग भाव के लेवल पर जाकर वहां पर मूल्यांकन के काम को कर रहे हैं, और जैसा सबकी शेयरिंग चल रही है इतने दिनों से, उसमें हमको ये दिखता है कि हमको लगता है कि हमने कुछ मूल्यांकन किया है लेकिन फिर से विचार फैल जाते हैं या बाहर की परिस्थितियों से फिर से फैलने लगते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस पर हम लोग ये सावधानी रख के चल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कभी ठीक लगेगा, कभी ठीक नहीं लगेगा। इन दोनों स्थिति में हमको अपने ऑब्जर्वेशन को बनाए रखना, ऑब्जर्वेशन को बनाए रखना और मूल्यांकन के अर्थ में इतना पूछना है। इतना काम अगर हम सहज तरीके से करते रहेंगे तो हमारे में जो संस्कार की गहराई है ना, उसको हम बाहर भी आने देंगे, और जब वो बाहर आ रहा होगा तो हम भाव के लेवल पर मूल्यांकन भी करेंगे, तो धीरे धीरे वो लूज होगा,
और जो सही के अर्थ में नहीं है, स्वभाव के अर्थ में नहीं है, जिसकी मैं निरंतरता नहीं चाहता हूँ, धीरे धीरे वो विदा हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया के तहत हम लोग करें, बताइए। तो इसमें कल से आज तक हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। फिर आज हम लोग स्टेप 4 पर भी बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण स्टेप है। नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बढ़िया जी। जी। कल भी कुछ चर्चा हुई थी तो उसी को मैंने आगे भी कंटिन्यू किया अपने ऑब्जर्वेशंस को। कुछ एक इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए जो प्रैक्टिकली इस सारे प्रोसेस के अंदर खड़े हो गए, तो उसमें से एक शेयरिंग मैं करता हूँ, फिर देखते हैं उसका आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। परिवार की बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जहाँ पर आपके गहन संबंध होते हैं, उदाहरण के लिए परिवार में पत्नी या बच्चों के साथ, हम कई बार अपनी बात को बहुत अच्छे भाव और परस्पर संबंध के आधार पर करते हैं, किंतु जो आगे वाला व्यक्ति है, जैसे मान लो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरी वाइफ है, व्यक्ति है, वो उसको ये सब कुछ अप्रिय लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता, या वो उस बात को उस भाव से नहीं लेना चाहता या लेता जिस भाव से आप अपनी बात कर रहे हैं, और भड़क जाता है, रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, भला बुरा बोलना शुरू कर देता है, आपकी बात को नहीं सुनता, आपको भला बुरा भी कह देता है। और मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस स्थिति को कैसे लिया जाए? सूट स्वभाव है, इसको तो हमने मान लिया, जान लिया, पर ऐसी स्थिति का क्या? क्या हमारी क्रिया के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया हो तो हम प्रभावहीन रहें और भीतर से अपने स्वभाव, अपने भाव के साथ ही जुड़े रहें? क्या इस प्रकार हम हर एक परिस्थिति में कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है, कृपया इसके ऊपर रोशनी डालें गोपाल सर। जी 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 भैया, सर। तो देखिए, हम लोग ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना, जी जैसा पहले भी डिस्कशन में कई बार आया है, आज फिर उसी तरह की बात हुई है। अभी क्या है कि जब हम किसी से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति मेरे विचार को, मेरे एक्ट को स्वीकारता नहीं है, तो उसमें जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो जब स्वीकारता नहीं है, तो बेसिकली होता क्या है, उसके रिजेक्शन से अब जो मेरे में चलता है, उस समय मेरे में अवेयरनेस नहीं होती है, तो मैं इस रिजेक्शन का भी से जो मेरे में विचार फैल रहा है, उसके पीछे जो भाव फैल रहा है, उसका मूल्यांकन करके जो सहज स्वीकार है, उसके अर्थ में विचार फैलाकर रिस्पॉन्स करने के बजाय कहीं ना कहीं उसका रिजेक्शन को हम विरोध में आ जाते हैं। तो अगर हम उसके रिजेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, उसके व्यवहार पर ध्यान दे रहे हैं, अपने स्वभाव पर उस समय ध्यान नहीं बनाए, तो ये एक्सीडेंट होने की संभावना तो है ही। तो बेसिकली होता यही है कि जब कोई रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट हमारे विचारों को कर रहा है ना, रिजेक्ट हमारे व्यवहार को कर रहा होगा, क्योंकि उस पर अपने तरह का एक प्रभाव है। लेकिन हमको क्या भाव और विचार चलाना है और क्या परस्परता में व्यवहार करना है, इसमें हम स्वतंत्र हैं कि नहीं है, इसी को हम लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर उस स्थिति में भी जब वो व्यक्ति बोल रहा है, हमारा ध्यान इस एक्सरसाइज पे बना रहे कि इस व्यक्ति ने कुछ बोला है, अब मेरे में कुछ भाव चल रहा है, उस भाव पर मैं ध्यान दूंगा, है ना, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन करूंगा, और मूल्यांकन करके जो सहज स्वीकार भाव है उसको विचार में फैलाकर मैं जवाब दूंगा। अगर इतनी पॉसिबिलिटी हमको दिखती है, तो उसके प्रभाव में आए बिना मैं स्वतंत्र रूप से उसके परस्परता में व्यवहार कर सकता हूँ। अगर इसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, तो फिर ये प्रश्न बनना तो नेचुरल बात है।
कि क्या हम उसके प्रभाव से बच भी सकते हैं। तो ये हम लोग को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जब व्यक्ति बोल रहा है तब हमारा ध्यान उसके बोलने में, उसके व्यवहार में, उसके रिजेक्शन में यहाँ पर है, या उस समय भी मेरा ध्यान मेरे विचार मेरे भाव में बना हुआ है, तो कहाँ बना रहता है। अगर उस समय हम देखेंगे तो हमको इस बात का आंसर मिलेगा कि मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं। इसको हम लोग और देखें भैया, जी जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आपके में भाव विचार क्या चलेगा है? ये मुझसे इंटरेक्शन करते समय भी आपका ध्यान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ बिल्कुल। तो अगर बना हुआ है तो आप स्वतंत्र हैं कि मैं कैसा बोलूंगा, कैसा भाव रखूंगा आपके लिए स्वतंत्र है। अगर आपका फोकस सिर्फ इस पर ही हो जाएगा कि ये व्यक्ति तो सही बोलना ही चाहिए, देखो मैं स्वभाव में रहता हूँ, अब ये सही नहीं बोलता है, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है, फिर तो अपने स्वभाव से ध्यान हटी जाएगा, संभावना है पूरी। तो हमारा रेफरेंस क्या होगा जब हम परस्परतम व्यवहार करेंगे? तो हमारा स्वभाव रेफरेंस होगा, उससे होने वाला भाव रेफरेंस होगा, उससे विचार जो आएंगे वो रेफरेंस होगा, उसके आधार पर मैं तय करूंगा या दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, भाषा बदल गई है, भाव बदल गया है उसका, इससे तय करूंगा। तो वो तय किससे करना है, ये तय हो जाए फिर हम देख पाएंगे हम स्वतंत्र हो सकते हैं कि नहीं दूसरे के प्रभाव से। सर यहाँ पे मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम इस बात को तो भली भांति समझ रहे हैं कि हमें ऐसे जो प्रभाव हैं उनसे मुक्त होना चाहिए, हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये प्रभाव जो है हमें बुरी तरीके से अफेक्ट ना करें, लेकिन घटनाओं की जो कड़ी है 24 घंटे के अंदर वो इतनी लंबी होती है कि वहाँ हम चाहने के बाद भी कई बार इन सारी चीजों से अफेक्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इसको ठीक से समझ नहीं रहे हैं, या हम इसको समझना नहीं चाहते हैं, या हम इस रास्ते के ऊपर चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि ये हमारा स्वभाव है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि कहीं ना कहीं हम इन धाराओं की जो प्रबलता है उसमें भी बह निकलते हैं, भले ही देर में हमें ये समझ आए कि अच्छा चलो उस टाइम मैंने, जैसे ये अलका इंसिडेंट आपको साथ कोट किया है, मैंने उसमें रिएक्ट कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे माई सन डिडंट लाइक माई माई व्यूज तो उसके अंदर मैंने उसको कुछ कह दिया, उसके अंदर मेरे को अपना जो ये ह्यूमन वैल्यूज का कॉन्टिन्यूड प्रोसेस हम पिछले 42 दिन से चला रहे हैं या सुन रहे हैं उसका प्रभाव रहा, ये बात मेरे मन में उस समय भी थी, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि मेरी बड़ी प्योर फीलिंग्स हैं इस बात को लेके जो भी मैं कर रहा हूँ उसके साथ, या मैं ये समझ रहा हूँ कि उसकी और मेरी लाइफ जो है उसकी जो जर्नी है उसमें बहुत अंतर है, बड़े सालों का अंतर है, और हमें लग रहा है कि भाई आपका ये जो स्टेप है या आप जो करने जा रहे हैं या आप जो डिसीजन अपने लाइफ में ले रहे हैं वो शायद आगे चल के आपके लिए उतना ही भला साबित ना हो जितना अभी आप सोच रहे हैं। तो माँ बाप होने के नाते कई बार हम इन चीजों को बच्चों के साथ अवेयर करने की बात करते हैं कि भाई अगर वो कहीं डी ट्रैक हो रहे हैं तो उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, लेकिन ये भी बात सही है कि जब बच्चे ग्रोन अप हो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमारे माँ बाप जो हैं या हमारे टीचर्स जो हैं या हमारे बड़े जो हैं ये तो ऐसे ही बात करते हैं, इनको तो कुछ समझ है नहीं, तो जो अपना विचार है वो ठीक है, तो दुविधा जो है वो यहाँ पे आके कई बार खड़ी हो जाती है। मैं आपकी बात को भी अच्छे से समझ रहा हूँ, अपने विचार को भी अच्छे से समझ रहा हूँ, और जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको भी बाकॉशियस होके ही ये बात जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ठीक है कि हमें और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा, इन चीजों को और बारीकी के साथ समझना पड़ेगा और अपनी लाइफ जो है उस पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसको मैं अच्छे से समझ रहा हूँ सर। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई लैप्सेस रह जाते हैं, कमी रह जाती है, जिस वजह से ऐसी फिसलन का शिकार हम हो जाते हैं। जी सर उसको मैं और ठीक से रख देता हूँ, दो दो तीन एंगल से, तो हो सकता है कि है ना कभी कभी कोई एंगल हमारा ध्यान चला जाता है, तो दो तीन एंगल से उस बात को रख देता हूँ, उस पूरे प्रोसेस को और आपकी घटनाओं को जोड़ के। देखिए होता क्या है कि जो हमारे में विचार चल रहा है,
ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भाव रहता ही है। तो जनरली देखेंगे तो जिस इस तरह की घटनाएं होती है तो विरोध का भाव बन जाता है जनरली, है ना। तो विचार के पीछे भाव रहता है, उस भाव का मूल्यांकन करने का मेरे में पोटेंशियल है ना। बिना प्रभावित हुए मैं उसका ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकता हूँ, ये बात का मेरे में पोटेंशियल है। अगर इसका ध्यान हमको बना रहता है तो उस समय बाहर घटना भी हो रही है तो भी मैं अपनी जगह से ये देख पाता हूँ कि मेरे में ये भाव बना है। अब मैं इसका ठीक से मूल्यांकन कर लेता हूँ, इसके अर्थ में विचार फैला लेता हूँ और उस विचार के साथ परस्परता में क्या शब्द और क्या व्यवहार करना है उसको तय कर सकते हैं। अब देखेंगे अगर हम ये कर नहीं पाते हैं, है ना, किसी वजह से हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, तो होता क्या है कि फिर ये सब आशा के रूप में बना रहता है ना। जो सहज रूप से वैभव के रूप में आना चाहिए कि मेरे में देखने का पोटेंशियल है, उससे मैं अपने भाव को देख रहा हूँ, उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, उससे विचार ठीक हो रहे हैं, उससे मेरा परस्परतम व्यवहार ठीक जा रहा है। तो ये जब देखने की जगह से करेंगे ना तो ये विचार का फैलना और उसमें परस्परता में सही व्यवहार जाना ये वैभव के रूप में आएगा। लेकिन जब हम इसको ठीक से नहीं ऑब्जेक्टिवली कर पाते हैं, अपने पोटेंशियल को हम ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, भाव का मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो इसके साथ जो वैभव के रूप में आना चाहिए था वो आशा के रूप में बना रहता है। तो आशा से हम स्टार्ट करते हैं कि हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे में हमको समझ में आ रहा है, अब सामने वाला तो अच्छा व्यवहार करेगा ही, 2 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, अगर मेरे में भाव अच्छा बना रहेगा तो सामने वाला भी कभी ध्यान जाएगा एक दिन। अब ये आशा के रूप में बना रहता है, ये वैभव के रूप में नहीं आता है। उसमें अंतर यही है, आशा के रूप में अगर बना हुआ है और सामने वाले का व्यवहार 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपके अनुरूप नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे में भी प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है। अगर वो वैभव के रूप में बना हुआ है कि मेरा विचार और मेरा परस्परता में व्यवहार का ये वैभव के रूप में आ रहा है, और किस वैभव के रूप में आ रहा है कि मुझ में देखने का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से, उस दृष्टा भाव से मैं अपने भाव को देख रहा हूँ, उस भाव का ठीक मूल्यांकन करके विचार तय कर रहा हूँ, उस विचार से व्यवहार में परस्परता में मैं रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, ये वैभव के रूप में आ रहा है, तब आप बाहर वाले व्यक्ति के व्यवहार से मुक्त हो सकते हैं। तो ये वैभव के रूप में अभी आना है, हम जो वैभव के रूप में आना है वो आशा के रूप में बना लेते हैं। तो वो करने वाला जो काम है ना वो पूरी तरीके से होता नहीं है, तो बहुत सारा जो वैभवित होना है उसको हम आशा के रूप में बना लेते हैं। फिर उस आशा के साथ जब चलते हैं तो दूसरे के ऊपर एक तो दबाव भी पड़ता है ना। तो दूसरे के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बात का हम दबाव नोइंगली अनोइंगली बनता रहता है कि देखो मैं अच्छा जी रहा हूँ, तुम अच्छा नहीं जी पा रहे हो। तो अभी जो दूसरे के ऊपर दबाव पड़ता है ना, और उसके संस्कार का उतना तैयारी है नहीं, उसका ध्यान उतना है नहीं, ध्यान उसका अभी जा नहीं पा रहा है, तो ये दबाव में जो उसके अंदर रिएक्शन आता है तो उसकी जो यात्रा होनी है उसमें भी बाधा पड़ता है, और उसके रिएक्शन से जो मैं प्रभावित हो रहा हूँ मेरे भी यात्रा में बाधा पड़ता है, ये दोनों की यात्रा बाधित होती है ना। तो आशा के रूप में देखेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं दबाव व्यक्ति फील करता है हमारे साथ रहते हुए, सामने वाला। वैभव के रूप में देखेंगे तो हमारे साथ वो सहज होगा, है ना, हम उससे बिना प्रभावित हुए विचार का व्यवहार कर रहे होंगे, इससे वो आश्वस्त होगा कि इस व्यक्ति में स्थिरता रहती है, ये व्यक्ति हमेशा ना रिजोल्यूशन सेंट्रिक सोचता है, हमारे ये कॉम्प्लीमेंट होता है, हम उस पर दबाव नहीं बनेंगे। लेकिन आशा के रूप में जाएंगे तो हम दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ रह रहे हैं उनके लिए दबाव बनने लगते हैं। फिर वो दबाव में बहुत सारे व्यक्ति खिन्न होता है, एक तो उसकी अपनी यात्रा कितनी, एक तो ये बात है, लेकिन हमारे दबाव से फिर वो खिन्न होता है, जब खिन्न होता है उसकी यात्रा भी बाधित होती है, और फिर उससे खिन्न होने से हमारे में जो रिएक्शन आता है हमारी यात्रा भी बाधित होती है, तो दोनों ही की यात्रा बाधित होती है। इसीलिए अभी ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना, स्टेप 1 2 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसको ठीक से करते रहेंगे तो हम वैभव के रूप में बाहर आएंगे।
और वैभव के रूप में जब बाहर आएंगे तो बाहर व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, हमारे साथ जो लोग भी रह रहे हैं, दबाव नहीं पड़ेगा और उनका ध्यान जाएगा तो उनकी यात्रा भी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से दोनों के संस्कारों की यात्रा आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो वैभव के रूप में होना है उसको अगर हम आशा के रूप में बनाएंगे तो साथ में रहने वाले पे भी दबाव पड़ता है, अपने ऊपर भी रिएक्शन आता है, तो दोनों की यात्रा फिर बाधित होती है। जी भैया, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो हमारे साथ शशि शर्मा जी, नमस्ते भैया। नमस्ते अभी जी। दो तीन मतलब पिछले 3-4 दिनों का जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं सम अप करके रख देती हूँ आपके सामने। एक तो कल ये जो एक्सरसाइज थी कि कल्पनाशीलता को देखकर उन मुद्दों और परिस्थितियों की सूची बनाएं जिसमें आप असहज होते हैं। तो भैया करीब मैंने 28 पॉइंट्स लिखे, और जब ये पॉइंट्स मैंने लिखे तो उसके बाद में एक बार और मैंने उन पॉइंट्स को पढ़ा तो मैंने देखा कि घुमा फिरा के मतलब करीब करीब मतलब 6-7 पॉइंट में सम अप करूं तो वैसी सी ही परिस्थितियां हैं जहां मुझे दिखा कि मैं असहज होती हूँ। लेकिन जब मैं उसको तीसरी बार पढ़ने गई तो फिर मुझे मतलब मैं उनको पढ़ नहीं पाई। मेरे लिए वो उनको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं जहां जहां असहज होती हूँ उन पॉइंट्स को मैं दोबारा पढ़ भी पाऊँ। मतलब एक बार लिख लिया, सोच सोच के देख लिया, जब मैं उन चीजों को लिख रही थी, उन परिस्थितियों को लिख रही थी कि यहाँ यहाँ इन इन परिस्थितियों में मैं असहज होती हूँ, तो लिखते वक्त भी मैं वो असहजता जो है वो देख पा रही थी, वहां पे मेरे भाव जो बिगड़ रहे थे उनको देख पा रही थी। फिर दोबारा जब उनको पढ़ा तो फिर वो और ज्यादा गहरे मुझे नजर आए, और तीसरी बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं बची कि मैं उसको वापस देखूं और एक बार फिर से मैं ये देखूं कि मेरे मतलब भाव बिगड़ रहे हैं। लेकिन ये चीज करने के बाद में जो साथ के साथ मेरे अंदर जो प्रक्रिया हुई, अब वो प्रतिक्रिया थी, विचारों का फैलना था, क्या था उसको मैंने नोट डाउन किया, उसको मैं पढ़ देती हूँ कि जब अपनी बनाई लिस्ट देखी तो देख पाई कि जिन परिस्थितियों में मैं असहज होती हूँ उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति भी असहज होते हैं। जो व्यवहार जब दूसरे मेरे साथ करते हैं और मुझे खराब लगता है, मैं देख पाती हूँ कि कमोबेश उनके प्रति विरोध के कारण मैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करती हूँ। हाँ, कई मामलों में मैं बेहतर हुई हूँ जिनके साथ मैं संबंध देख पाती हूँ, परंतु यह भी अभी निरंतरता में नहीं हूँ, नहीं है। मैं देख पाई कि अपनी मान्यताओं के आगे मैं कितनी विवश हो जाती हूँ कि सहज स्वीकृति देख ही नहीं पाती। अपनी प्रति होने वाले अन्याय का भाव इतना गहरा है कि उसके प्रभाव से हमेशा या तो आवेशित रहती हूँ या पीड़ा में या निराशा में। अपने भाव और विचारों में जब इतनी गड़बड़ दिखती है तो उससे मुक्त होने के विचार अनायास चलने लगते हैं, और वो प्रतिक्रिया वाली जो आप बात करते हैं भैया, वो मतलब वो आने ही लगती है। जब कर नहीं पाती तो खुद की क्षमता पे ही संदेह होने लगता है। दृष्टा के रूप में भाव विचारों को देख ही नहीं पा रही जबकि यही 9th बैच में आराम से कर पा रही थी। बहुत सी जगह स्वीकृति के भाव के साथ व्यवहार करती हूँ पर वहां पे वो घटना घट जाती है, आराम से हो जाता है, तो उसमें इतना ध्यान नहीं रहता जितना कि जहाँ पे विरोध के भाव होते हैं। ये चीज मैंने पहले भी शेयर की थी लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी विरोध के भाव आते हैं विचारों में उसका विश्लेषण होता है और उनसे निकलने की जो छटपटाहट होती है वो अपने आप चालू हो जाती है और फिर मैं पूरा का पूरा उसी के अंदर डूब जाती हूँ। जी भैया, बढ़िया दीदी, आप है ना अपना ही रिफ्लेक्शन खुद लिख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लिखने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है ना, और फिर उसको पढ़ के
सबके सामने हम बता भी दें तो बहुत साहस की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। तो ये अच्छी बात है और इसको हम लोग बार बार कहते भी रहे हैं कि हमें जो भी आ रहा है अगर हम उसे डॉक्यूमेंट करते रहेंगे तो डॉक्यूमेंट करते हैं तो और भी फोकस होते हैं उस चीज़ को, जब शब्दों में लिखते हैं तो और भी फोकस होते हैं और भी आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अपनी चीज़ों को लिख रहे हैं और पढ़ के देख रहे हैं और ऐसी चीज़ों को भी लिख पा रहे हैं जब हम सहज नहीं है, और ऐसी चीज़ों को भी लिख पा रहे हैं जो हम अपने में कंफर्टेबल है, तो एक अच्छी बात है। और जितना हम देखेंगे, जितना हम उसे लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उतना ही हमारा देखने की योग्यता भी बढ़ेगी। तो इस सेंस में देखेंगे तो ये अच्छी बात है। फिर एक लास्ट लाइन आपने भी बोली थी, उसको बस मैं एड्रेस करना चाहूंगा। आपने बोला था ना लास्ट लाइन, क्या था, मैंने स्लिप कर गया। ये था कि एक तो 9th बैच में मैं आराम से कर पा रही थी, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा। इस बार मैं मतलब वो विचारों में बहुत ज्यादा फैल रहा है, और फिर वो बिल्कुल मतलब उसको नियंत्रित करने की मेरी चेष्टा रहती है, और अपने आप ही प्रतिक्रिया ये सब चीजें होने लगती है, और बहुत सारी जगह स्वीकृति के भाव के साथ होता है परंतु वो फटाफट निकल जाता है। लेकिन जहाँ अस्वीकृति के भाव होते हैं वहां मैं पूरी तरह से अपने विचारों के कंट्रोल में आ जाती हूँ। उसमें देखेंगे दीदी, तो जितना जितना हम बार बार इस एक्सरसाइज को करते हैं तो जी उतना ही, जब हम डीपली देखते हैं, बार बार गहराई में जाते हैं, तो संस्कारों का जो गहराई है ना वो और बाहर आता है। तो पहले हम शुरू के जब UHP 1 UHP 2 में करते हैं, एक दो वर्कशॉप करते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ सहज स्वीकृति हमको समझ में आ गया है और हम तो देख पा रहे हैं सहज स्वीकृति क्या है। धीरे धीरे जब व्यक्ति बार बार वर्कशॉप करता है तो उसको समझ में आता है कि मैं स्वीकृति को ही सहज स्वीकृति समझ रहा था अभी तक। फिर इस तरह के अभ्यास में जुड़ते हैं और देखने की प्रक्रिया में आते हैं, तो हमको इसी तरह जो सरफेस लेवल के संस्कार हैं हम उसको सॉर्ट आउट करने लगते हैं, और एक समय पर हमको लगता है कि अब तो चीजें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हम उसकी सफाई कर रहे हैं तो अंदर से जो उसकी डेप्थ है वो बाहर भी आने दे रहे हैं। तो स्टेप 1 की प्रक्रिया में हम बाहर भी आने दे रहे हैं और मूल्यांकन करके उसकी सफाई भी कर रहे हैं, तो बाहर आने दे रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, जबकि देखेंगे तो ज्यादा डेप्थ बढ़ गई है हमारी देखने की। तो उससे हताश होने जी की जरूरत नहीं है, हमारी डेप्थ बढ़ी है और अभी बहुत सारे संस्कारों का रिजॉल्व होना बाकी है जी ना ये तो देख पा रही हूँ। जी। तो डेप्थ बढ़ रही है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन बढ़ रही है डेप्थ ये भी हमको क्लियर होना चाहिए अपने, क्योंकि बहुत सारे संस्कारों को भी निकलने देना है, उनकी सफाई करनी है भैया ना। वो और इस निकलने पूरे देना है। हाँ जी 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 भैया, वो जो निकलने दे रहे हैं और वो जो हो रहा है ना, तो वो इतना ज्यादा गड़बड़ हो रहा है कि वो हैंडल नहीं कर पा रही हूं। देखिए, निकलने तो देना ही है उसे, अभी तक हम क्या करते आए हैं सामान्यतः लोग उसको सप्रेस करते रहते हैं, या उसका दोषी कौन है उसको ढूंढ के अपने को सेटिस्फाई कर बिल्कुल लेते हो। एग्जैक्टली तो उतना सब हमने दबा के रखा हुआ है तो निकलने में छटपटाहट तो होगी, तो उसको निकलने दिया जाए। अब उसमें रिएक्शन दे देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है, निकलने दिया जाए उसे, देखा जाए। और मैंने बार बार ये रिएक्शन बात आ की रहे है, हैं, हाँ मैंने बार बार ये बात रिएक्शन भी की हो है, रहे हैं। हाँ वही वही कह रहा हूँ, बार बार मैंने यही बात भी की है कि जब वो संस्कार बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ, तो हम इस बात को स्मृति में बनाए रहें कि इसको देखने का पोटेंशियल और इसको मूल्यांकन करने का पोटेंशियल मेरे में है। मैं इसको बाहर आने देता हूँ और मेरे में पोटेंशियल है कि मैं इसको पूरा देख भी सकता हूँ और मूल्यांकन भी कर सकता हूँ। ये बात बनी रहेगी तो प्रतिक्रिया वाला भाग कम होने की संभावना है, नहीं तो होता है कि अगर ये दो बात स्मृति में नहीं है तो फिर हम उसको छेड़ने लगते हैं, क्योंकि हम उससे निकलना चाहते हैं, फिर हम उसको कुछ ना कुछ तर्क भड़ा देते जाकर, फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ना। एक बार वापस बोलेंगे भैया, क्या दिन ये ध्यान देना है कि मुझ में पोटेंशियल है। देखिए शुरू तो हमने यहीं से किया था कि देखने का पोटेंशियल मेरे में है, कल्पनाशीलता हाँ चल रही है, ध्यान देना है।
हाँ जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे संस्कार बाहर आ रहे हैं, उस समय भी स्मृति में ये बना रहे कि देखने की क्षमता मेरे में है और इसे मैं पूरा देख सकता हूँ और देख के एवेल्युएट भी कर सकता हूँ, ये दोनों ही क्षमता मेरे में। अगर ये ध्यान नहीं रहता है तो फिर हम किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को ले आते हैं बीच में, क्योंकि वो हमारा अभ्यास है ना कि तुरंत ही किसी ना किसी को ला कर हम रैशनली ये प्रूफ कर देंगे गलती उसकी भी थी, हाँ, गलती वो सब ले आएंगे फिर उसी उसी के। की हाँ भी नहीं थी भैया, उसी की ही थी। ये ज्यादा अच्छा है, मैं थोड़ा कम बोल रहा था उसको। और सच जी तो में गलती उसी की थी भैया। सही बात है, तो वो फिर हम यहाँ ले आते हैं, अब इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, या तो आप फिर से सप्रेस कर देंगे या उसको फैला देंगे, और तो वो प्रोसेस रुक जाता है फिर। दूसरी बात यह है कि हमको इससे निकलना है, इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से देख लेना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना हमको इससे निकलना है, तो ऐसा तो नहीं है हम इससे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो वो शब्द को भी थोड़ा सा अपने में उसका अर्थ भी क्लियर कर ले। जब हम बोलते हैं निकलना है, तो निकलने का मतलब ये तो नहीं है अब इससे शिफ्ट होकर कहीं और चले जाते हैं, तो हमको निकलना नहीं है, हमको उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मूल्यांकन क्या करना, सही सही अर्थ हुआ? मूल्यांकन का यही अर्थ हुआ कि जब मैं उसको अपने विचारों में देख रहा हूं, मूल्यांकन भाव का करेंगे तो इसके पीछे के भाव को भी देख लेते हैं, तो भाव को देखेंगे तो विरोध का ही भाव चल रहा होगा, वहां पर जाके मैं पूछ लूंगा ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है, इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, इससे मैं आराम में हूँ, परेशान हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, सब पूछ लेंगे। हाँ, ये सब ये तो करने पूछ लगेंगे लेते तो हैं। उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, नहीं होती भैया, ठीक है, मतलब उसको और देखिए। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो हम रिएक्शन में चले जाते हैं, या होती है थोड़ी देख लिए तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, नहीं होने वाले भाग को ज्यादा देखते हैं, ये भी ज्यादा पॉसिबल नहीं था। होने वाला हो रहा है, बहुत कम जी देर के लिए ये वाला होता है कि ये देख पाते हैं कि सहज स्वीकृति नहीं है। फिर जैसे ही ये दिखता है कि सहज स्वीकृति नहीं है, तो फिर से ही वापस वही घटनाएं, और फिर वो उनका जो है ना विचारों में पूरा विश्लेषण और ये सब शुरू हो जाता है। फिर अल्टीमेटली ये होता है कि ये विचार मुझ में इसलिए हैं क्योंकि अगले व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया था। वही तो, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं ना, जैसे हम अपने से पूछते हैं सहज हाँ स्वीकार है कि नहीं, आंसर आता नहीं है, फिर आप ढूंढने लगते हैं इसका दोषी कौन है, हाँ तो वहां से शिफ्टिंग हो जाती है, फिर वो प्रोसेस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। ढूंढने की जरूरत नहीं है भैया, मुझे पता है कि कौन है। यही तो बात है, पहले से आपने पता कर रखा है कौन दोषी है, हाँ वो भी हाँ कल्पनाशीलता में और ये मुझे दिख रहा है अच्छी तरह से कि मैं है। ऐसा कर रही हूँ। देखिए वही बात है, वो सब मिक्स करके रखते हैं ना, पहले से तय कर रखा है इन सब मेरे दुख का कारण कौन है, और मैं दुखी हो रहा हूँ और दुख का कारण भी हमने पहले से कंक्लूड कर रखा है, तो अब प्रोसेस कैसे चलेगा, फिर जो दुख का कारण है रमेश दिनेश उनको पकड़े रहेंगे फिर हम, हाँ, तो फिर वो स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी ना, कारण भी आपने नहीं पहले बढ़ ही ढूंढ रखा रही, है। नहीं बढ़ रही ना, इसीलिए तो अटकी जी हुई जी हूं। इसीलिए हम लोग फोर्थ स्टेप की आज बात करेंगे, उस फोर्थ स्टेप में जाकर और क्लियरिटी बनेगी, है अच्छा ना, तो इस फोर्थ स्टेप को मैं भी रख देता हूँ, जी, उसको मुझे आगे बढ़ाना भी, ठीक तो भैया, फोर्थ स्टेप थैंक में यू। देखेंगे हम इस बात को अब तय कर रहे हैं कि मेरे में जो भी भाव चल रहा है जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ या अनकंफर्टेबल हूँ, सहज स्वीकार है या नहीं है, इस भाव को तय कौन करता है, तो इस क्षण जो भी मेरे में भाव चल रहा है उसको देखने का मैंने काम किया, स्टेप 2-3 में अपने भाव का मूल्यांकन किया, उससे मुझे पता चला कि इस भाव से मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, फिर मुझे ये पता चला कि जो सहज स्वीकार होगा उससे मैं सुखी होता हूँ, जो सहज स्वीकार भाव नहीं है उससे मैं दुखी होता हूँ, इतना पता चल गया। अब ये बात हम लोग देखेंगे कि ये जो मेरे में सुख या दुख का शोर बना हुआ है, विचार भाव बना हुआ है, इसका निर्णय कौन लेता है, ये सवाल अब अपने से पूछना है, इस भाव का निर्णय कौन लेता है, ये दुख का भाव चल रहा है
ये सुख का भाव चला, इसका निर्णय कौन लेता है? हम्म, अब यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट है ना टर्न आता है। अब हम ये तय करेंगे निर्णय कौन ले रहा है। तो इस बात को हम लोग और ध्यान दें, अपनी कल्पनाशीलता में और ध्यान दें, इस क्षण जो भाव विचार चल रहा है उसको ध्यान दें और उसमें पूछे इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो निर्णय को देखेंगे तो हम इस बात को देख पाएंगे, या तो कोई बाहर की स्थिति परिस्थिति है जिसके वजह से मेरे में चालू हो जाता है कुछ अच्छा बुरा जो भी है, या कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, ऐसा व्यवहार करता है, इसलिए मेरे में ऐसे भाव बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैं खुद ही तय कर लेता हूँ, या मुझे विरोध का विचार चलाना है, विरोध का भाव रखना है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे में विरोध का भाव या संबंध का भाव चलने के लिए। इसको हम लोग को तय करना है ठीक से। इस पर अगर ठीक से काम कर लेंगे तो हम जो आप अभी स्थिति का बता रही हैं उससे फिर निकलने में सहयोग मिलेगा। तो अभी देखेंगे तो आपने पहले ये निष्कर्ष बना रखा है कि हमारे में जो भाव बिगड़ रहा है वो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से भाव बिगड़ जाता है ना। अगर दूसरा व्यक्ति है आप में चल रहे भाव का आधार, तो वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपका भाव ठीक नहीं होने वाला है, वो तो तय हो गया। फिर हम स्वतंत्र नहीं होंगे, फिर तो हम परतंत्र रहने वाले हैं, है ना। बाहर की स्थिति परिस्थितियां हो जाती हैं इसलिए मेरा भाव बिगड़ जाता है, तो भी हमारे स्वतंत्र रहने की संभावना नहीं है। फिर तो हमारा सुखी होना तो है ना, फिर तो ऐसा समझ लीजिए हम दुखी होने के लिए पैदा हुए हैं। अगर ये दिख जाए कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ, बाहर का व्यक्ति तो सिर्फ पेट्रोल डालने का काम करता है, तो मेरे में आग लगी हुई है, वो कुछ करता है तो पेट्रोल डालने के बराबर हो जाता है तो आग भड़क जाती है। लेकिन आग मैंने लगा के रखी हुई है, ये अगर क्लियर हो जाए तो ये तय हो सकता है, फिर मैं उस आग को बुझा सकता हूँ, उतना पोटेंशियल है, और मैं दूसरे के व्यवहार से बिना प्रभावित हुए अपने भाव विचार तय कर सकता हूँ। अब ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो मैं फिर से कर देता हूँ क्योंकि इसका अभ्यास हम लोग करेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में। तो पहली महत्वपूर्ण स्टेप तो है अपने को ऑब्जर्व करना। तो अपने को ऑब्जर्व करने का मतलब है जैसा चल रहा है वैसा मैं देख रहा हूँ, उसमें प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, यानी कि रिएक्शन नहीं कर रहा। तो ये पूरे एक्सरसाइज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि जैसा चल रहा है वैसा मैं देख पाऊँ। जनरली जैसा चल रहा है वैसा मैं देख नहीं पाता हूँ, जो चल रहा है उसमें कुछ प्लस माइनस कर देता हूँ, उसी को हम लोग बार बार रिएक्शन कर रहे हैं कह रहे हैं। तो पहली बात तो यही हम लोगों ने देखी कि जैसा चल रहा है वैसा मैं देख पाऊँ, जो भी चल रहा है मैं उसको देख पाऊँ, फिर धीरे धीरे मैं आशा को देख पाऊँ, विचार को देख पाऊँ, भाव को देख पाऊँ, इनमें भी डिफरेंस को देख पाऊँ। तो कैसे बनेगा देखने का काम? जैसे जैसे मैं ध्यान दूंगा सूक्ष्मता बढ़ेगी, इन तीनों क्रियाओं को मैं ठीक से देख पाऊंगा। जब इन क्रियाओं को मैं ठीक से देख रहा हूं तो मुझे पता चलेगा इस क्षण मेरे में जो भी चल रहा है उसके बीज रूप में तो भाव बना हुआ है। तो सूक्ष्मता के साथ मेरा ध्यान भाव पर जाएगा कि ये भाव संबंध का है इसलिए विचार संबंध के चल रहे हैं, अभी भाव विरोध का हो गया है इसलिए भाव विरोध के चल रहे हैं। ये भाव तक मैं पहुंच के देख पाऊं ना कि तर्क के आधार पर। तो शुरू में हो सकता है जब ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो हम तर्क के आधार पर इस बात को देखें कि मैं परेशान हूं तो डेफिनेटली भाव तो विरोध का ही होगा, ये तर्क के आधार पर देखना है। दूसरा एक बात यह है कि मैं विचार को देख पा रहा हूँ अन्यथा चल रहे हैं, फिर उसके भाव को भी सीधे सीधे देख पा रहा हूँ कि अब देखो ये भाव विरोध का चल रहा है, ये मैं तर्क के आधार पर नहीं देख पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सीधे सीधे, ये देख रहा हूँ, ये वाला स्टेप अगर पूरा हो जाता है फिर मैं स्टेप 2 3 में अपने भाव का मूल्यांकन करूँ कि ये जो मेरे में चल रहा है क्या ये सहज स्वीकार है, क्या ये स्वभाव है, क्या इसी की मैं निरंतरता चाहता हूँ, इससे मैं कंफर्टेबल हूँ अनकंफर्टेबल हूँ, सुखी हूँ दुखी हूँ, ये सब मूल्यांकन कर रहा हूँ।
और जब ये मूल्यांकन कर रहे हैं तो फिर से इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि किसी और को तो बीच में नहीं ले आते हैं, प्लस माइनस तो नहीं कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हम करने लगेंगे वो मूल्यांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि मूल्यांकन की बात, तो हम सीधे सीधे देख के उसको मूल्यांकित कर रहे हैं, ना कि तर्क के आधार पर मूल्यांकित कर रहे हैं, रैशनैलिटी के आधार पर मूल्यांकित कर रहे हैं, निष्कर्षों के आधार पर मूल्यांकित कर रहे हैं। ये देख के मूल्यांकित कर रहे हैं, ये वाला भाग जब अपने में होता है तो उसके मूल्यांकन से बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती। तो स्टेप 2-3 में हम सिर्फ मूल्यांकन कर रहे हैं, उस मूल्यांकन से मुझे इस बात को पता चल रहा है कि सहज भाव है इसलिए मैं सुखी हो रहा हूँ, असहज भाव है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं इसकी निरंतरता नहीं चाहता हूँ। इतना देखने के साथ अब मैं ये तय कर रहा हूँ, अपने से पूछ रहा हूँ कि ये जो मेरे में चल रहा है ना, और जब मैं ये सब पूछ रहा हूँ मेरे में चल रहा है, तो मैं कल्पनाशीलता की जगह नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कल्पनाशीलता की जगह से पूछ रहा हूँ तो ये प्रश्न ही नहीं बन पाएगा कि क्या चल रहा है। वो तो फिर मैं जो भी चल रहा होगा मैं बहने लगूंगा उसमें। क्या चल रहा है ये देखने के लिए मैं कल्पनाशीलता से ऊपर हूँ, तब मैं कल्पनाशीलता को होलसम वे में पूरा देख पाऊंगा। तो जब मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ का मतलब यही है जो बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि मैं कल्पनाशीलता की जगह नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर उठ के देख रहा हूँ। तो उसमें जो भी चल रहा है मैं उसके प्रभाव में नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये सहज है ये असहज है, ये दुख का सोर्स है ये सुख का सोर्स है, ये सब मैं देख रहा हूँ, बिना प्रभावित हुए देख रहा हूँ। तो इतना सब मैं पूछ पाऊंगा। अगर मैं कल्पनाशीलता की जगह से ही रख के ये सब रैशनली पूछ रहा हूँ तो फिर मैं उसके बहाव में बह जाऊंगा, जिसको रिएक्शन कह रहे हैं। तो जब मैं उसको देख रहा हूँ तब मैं इस बात को भी फिर देख रहा हूँ कि अभी इस क्षण मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है। तो निर्णय कौन ले रहा है, इसकी तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है। एक तो ये हो सकता है कि बाहर की कोई स्थिति परिस्थिति अप डाउन होती है इसलिए मेरे भाव विचार अप डाउन हो जाते हैं, एक ये रीजन हो सकता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति का व्यवहार ही ठीक नहीं है, भाव ही ठीक नहीं है, रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, अन्यथा बोलता रहता है, इसलिए मेरे में भाव अप डाउन होते रहते हैं। तीसरा ये है कि सामने वाला कुछ करता है, परिस्थितियों में कुछ होता है, लेकिन मेरे में अभी क्या चल रहा है ये निर्णय मैं ले रहा हूं, इस वजह से मेरे में भाव या तो सही चल रहे हैं या सही नहीं चल रहे हैं, सहज चल रहे हैं या असहज चल रहे हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब मैं देख रहा हूं तो मैं अपने से पूछ रहा हूं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है उससे जो विचार हो रहा है क्या ये दूसरी परिस्थिति से तय हुआ है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार उसकी भाषा वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है इससे तय हुआ है, या बाहर परिस्थिति में कुछ हो रहा है दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है अब मैं निर्णय ले रहा हूँ कि मैं उसका विरोध करूँगा, विरोध से ही व्यक्ति ठीक हो सकता है, या स्नेह पूर्वक ही मैं चलाऊंगा, स्नेह से ही व्यक्ति ठीक हो सकता है, इसका ध्यान जा सकता है। तो ये निर्णय मैं ले रहा हूँ या बाहर से चीजें तय हो रही है इसको अब मैं देख रहा हूं। अगर ये तय हो जाए तो हम ये तय कर सकते हैं काम कहाँ पर करना है। तो अगर बाहर की परिस्थितियों के कारण मेरे में अप डाउन हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियों को ठीक करके देख लीजिए, है ना, उसको देखिए कि बाहर की परिस्थिति को मैं ठीक करने में समय लगाता हूँ, फिर देखते हैं मेरा भाव विचार ठीक हो जाता है कि नहीं, और जो ठीक हुआ उसकी निरंतरता बनी रहती है कि नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति के कारण मेरे में भाव चल जाता है, उसका भाषा ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, है ना, हमको स्वीकार नहीं रहा है, इस वजह से मेरे में भाव बन जा रहा है, तो पहले उसी को ठीक करने में समय लगा लीजिए, और ठीक करके अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो गए हैं तो देखिए अब उसकी निरंतरता बनी रहती है कि नहीं। तीसरी क्या ये है कि बाहर कुछ हो रहा है, परिस्थिति में कुछ हो रहा है, व्यक्ति कुछ कर रहा है, लेकिन अब जो निर्णय क्या चल रहा है ये मैं तय कर रहा हूँ, चाहे नोइंगली चाहे अनोइंगली, ये मैं तय कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। अगर ये हो रहा है तो फिर अपने पे काम कर लेते हैं, अपने पे काम करने के लिए ये पूरे प्रोसेस पे बात करते हैं। तो अपने पे क्या काम करेंगे, फिर अपने को ऑब्जर्व करेंगे क्या चल रहा है उसको देखेंगे,
उसके पीछे विचार के पीछे के भाव को देखेंगे, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करेंगे तो निर्णय पूर्वक हम तय कर पाएंगे मेरे में भाव क्या चलना चाहिए। तो जो सहज है, जिसकी निरंतरता हो सकती है, जो मानवीय स्वभाव के अकॉर्डिंग है, उस भाव को मैं बनाऊंगा। उस भाव के साथ चलेंगे तो मेरा विचार और मेरा व्यवहार कार ये मेरे से तय हो जाएगा। अब ये परिस्थिति या दूसरे व्यक्ति से तय नहीं होगा, मेरे से तय हो रहा है, इस बात का मुझे सुख है। तो मैं सहज भाव चल रहे हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ, सहज विचार चल रहे हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ, परस्परता में मेरा व्यवहार का ठीक चल रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि अब निर्णय मैं ले रहा हूँ। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो हम सब लोग देखें अपने अपने में कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाव विचार को देख रहे हैं, मूल्यांकन, और हम को इस बात का ध्यान रखना है बार बार सीधे स्टेप 4 पे नहीं पहुंच जाने, कि हमारे में कुछ चला और हम देखने लगे कि ये स्थिति परिस्थिति कारण हो रहा है, व्यक्ति कारण हो रहा है कि मैं निर्णय ले रहा हूँ। तर्क के आधार पर देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, है ना, कि निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। लेकिन स्टेप 1 के साथ स्टेप 2, स्टेप 2 के साथ स्टेप 3, और स्टेप 3 के साथ अब इस बात को देख पाना कि कौन निर्णय ले रहा है। ये स्टेप्स को अगर हम बनाए रखेंगे तो हमारे में परिमार्जन होने की संभावना आएगी। लेकिन सब कुछ तर्क के आधार पर ही बना देंगे, है ना, तर्क के आधार पर ही हम तय कर लेंगे कौन है इसका कारण। तो रैशनली हम सेट तो कर देंगे, लेकिन अपने में जो परिमार्जन होना है उसकी संभावना कम हो जाती है। तो इतनी बात का हम लोग ध्यान दें, इसको और अच्छे से करें, एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करके अपने से पूछें सहज है कि असहज है, जो मेरे में दुख का सोर्स है इसका निर्णय कौन ले रहा है। निर्णय को भी ठीक से देखें कि बाहर की परिस्थिति ले रही है, दूसरे व्यक्ति के कारण हो रहा है या मैं स्वयं ले रहा हूँ। ये क्लियरिटी हो जाएगी फिर तय हो जाएगा कि काम कहाँ पर ज्यादा करना है। तो अगर मैं ही निर्णय ले रहा हूँ, मेरे ही निर्णय से मैं विरोध में आ जाता हूँ, मेरे ही निर्णय से मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो मैं अपने ऊपर ठीक से काम कर लेता हूँ। अगर बाहर की स्थिति परिस्थिति से तय हो रहा है, दूसरे व्यक्ति से तय हो रहा है, तो फिर सुखी होने की संभावना तो, निरंतरता होने की संभावना तो कम ही है, या यूँ कहे कि फिर हम दुखी होने के लिए ही अभी हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी होगा मैं विरोध में आ जाऊंगा। दूसरे व्यक्ति के भाषा बदलेगा मैं विरोध में आ जाऊंगा, वो मेरे विचार को स्वीकारेगा नहीं फिर मैं विरोध में आ जाऊंगा। तो फिर मेरे, है ना, दुखी होना है तो फिर तय है ही, क्योंकि अगर सब कुछ बाहर ही हाथ में है फिर मेरे सुख दुख की इतनी बात भी क्या करनी है, फिर तो मेरा दुख और सुख सब बाहर से तय होता रहेगा। या तो मैं परिस्थितियों को बार बार बदलता रहूं, है ना, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में शिफ्ट होता रहूं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शिफ्ट होता रहूं, फिर ये मोड लेना पड़ेगा हमें। या ये हो सकता है कि संभावना के रूप में कि जो मेरे में चल रहा है उसका निर्णय मैं ही ले रहा हूं, परिस्थितियां उसमें पेट्रोल छिड़कने का काम कर सकती हैं, व्यक्ति उसमें पेट्रोल छिड़कने का काम जैसा कर सकता है ना। लेकिन निर्णय जो हो रहा है, चाहे मैं सहज हो रहा हूँ, चाहे मैं असहज हो रहा हूँ, चाहे संबंध का भाव चल रहा है, चाहे विरोध का भाव चल रहा है, ये निर्णय मेरे से हो रहा है, ये बात की अगर क्लियरिटी हो जाए तो फिर इस बात की संभावना बनती है कि अब मैं बिना प्रभावित हुए बाहर की परिस्थिति और दूसरे व्यक्ति की स्थिति इससे प्रभावित हुए बिना मैं अपने सुख की निरंतरता कर सकता हूँ, तब इसकी संभावना बन सकती है। और ठीक से अगर मैं उस निर्णय को देखने लगूँ, और देखने की क्षमता है ही, उसका ठीक से मूल्यांकन करके आगे बढ़ने लगो, तो मेरा सुख निरंतर हो सकता है। तो संभावना के रूप में दिख सकता है और फिर हो सकता है, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो स्टेप 1 2 3 4 इतनी पर हमको अब और ध्यान देना है, और बार बार मैं इस बात पर ध्यान दिलाऊंगा कि स्टेप 1 2 3 के साथ ही 4 को देखना है। तो जो विचार भाव चल रहा है उसको ठीक से देख ले, मैं ही निर्णय ले रहा हूँ कि नहीं, बाहर का व्यक्ति केवल ट्रिगर कर रहा है या उसकी वजह से ही मेरे में निर्णय भी हो जाता है।
ये सब चीजों को अच्छे से देख लेना है अपने में। तो अपने भाव विचार के आधार पर मैं सुखी दुखी होता हूँ, ये सही है कि नहीं है। मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, ये हम देख पा रहे हैं कि नहीं। फिर 100% जिम्मेदार हूँ, ये देख पा रहे हैं कि नहीं। ये सब अच्छे से देख लेना है ना। अभी उसको मत मान लीजिए कि मैं ही जिम्मेदार हूँ मेरे दुख का और सुख का। देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। ऐसी स्थितियां जब आएंगी, परिस्थितियां जब आएंगी, जब व्यक्ति मुझे नहीं स्वीकार रहा है, ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी, जब परिस्थितियों में अनुकूलता चल रहा है, तब मैं अपने भाव को ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कि क्या रियली में बाहर कुछ सही नहीं हो रहा है, इस वजह से मेरे में अन्यथा चलने लगा है, या बाहर सही नहीं हो रहा है, उस सही नहीं होने की वजह से क्या सही होना है इसकी मुझे क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी निर्णय ले लेता हूँ। इसके आधार पर मेरे में भाव विचार बन गए। तो अभी तीनों ही बातों को ओपन करें, वो ओपन रखें और बहुत गहराई से देखते रहें कि क्या है। अगर आपको लगता है नहीं, इस शर्तों में बाहर की परिस्थिति से दुखी हो गया, उसको नोट कर लीजिए और ध्यान बनाए रखिए। आपको लगता है इस शर्तों में इस व्यक्ति की वजह से दुखी हुआ, नोट कर लीजिए। आपको लगता है नहीं, इस व्यक्ति ने कुछ कहा लेकिन भाव क्या चलाना ये तो मैंने तय कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। इतना अगर हम ठीक से करेंगे तो यहां से ये तय हो जाएगा कि अब कहाँ पर काम करना है। तो अगर स्वयं पे काम करना है तो ये तो सिंपल बात है, स्वयं में कल्पनाशीलता चल रही है, देखने का पोटेंशियल है, सिर्फ ध्यान देना है। बाहर अगर सब कुछ ठीक कर देना है पहले, एफर्ट वाला काम तो है ही, लेकिन उसको भी करके देख लीजिए, फिर उससे जो सुख मिल जाए तो उसकी निरंतरता को भी देख लीजिए, व्यक्ति भी बदल के देख लीजिए। अगर आपको सुख मिल जाए और उसकी निरंतरता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपने निर्णय को भी एक बार देख लीजिए और इन तीनों में तय कर लीजिए कि मेरे सुख की निरंतरता, मेरा तृप्ति पूर्वक जीने की निरंतरता कैसे संभव हो पा रही है। इतना करके हम अगर देख पाएंगे तो अपने में परिमार्जन कर पाएंगे। जी, तो हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। 5 मिनट हमारे पास हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। जी शशि दीदी, ठीक है ना इतना? हाँ जी भैया, इसके साथ ही मतलब अंदर काम चलने लगा और मतलब अभी से ही कई सवाल भी उठ खड़े हैं, लेकिन या तो मैं उनको कल रखती हूँ, आज मैं और उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान देती हूँ और उस पर विचार करती हूँ। जी, बिल्कुल। देखिए, सवाल उठना तो बहुत अच्छे बात है, शुभ संकेत है। सवाल उठने जी का मतलब हम अपने संस्कारों को अब देखना चालू कर रहे हैं, है ना। जी चलिए, बढ़िया। लेकिन हम धन्यवाद लोग समय भैया, लेते बहुत हैं बहुत। अभ्यास में, आराम से हाँ समय लेकर, है ना, एक एक बात को ठीक से वेरीफाई करके, उसको तर्क के रूप में ना मान लें, वेरीफाई करें, बार बार देखें। जब देख के बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि नहीं, मेरे सुख दुख का निर्णय तो मैं ही ले रहा हूं, तभी उसको स्वीकारें। ऐसे उसको स्वीकार लेना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जी हड़बड़ी भैया, करने की जरूरत नहीं है, है ना। कल भी हम लोग इस बात को कर रहे थे कि हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, टाइम बाउंड होने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी प्रक्रिया पे ध्यान दिए रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सेटल होती रहेंगी, रिजॉल्व होती रहेंगी। टाइम बाउंड कर देंगे, 1 साल में हो ही जाना चाहिए, 6 महीने में हो ही जाना चाहिए, दूसरे में भी होना चाहिए, तो दूसरे की यात्रा में भी बाधा बनता है क्योंकि उस पर हम दबाव डालते हैं, और अपनी भी यात्रा में बाधा बनता है क्योंकि उस दबाव डालने से अपने में भी रिएक्शन आता है, जी और अपने में अगर रिएक्शन आ जाएगा तो फिर बहुत सारा काम करने के लिए और बढ़ गया, जितना हमने समेटा था थोड़ा बढ़ा भी लिया साथ में। हाँ जी भैया, जी, तो इतना अगर हम ध्यान रख धन्यवाद के करेंगे। जी, जी भैया। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 7:27 हो गया है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2 मिनट के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में चलते हैं, क्योंकि सवाल लेंगे तो और समय हो जाएगा। कल हम लोग इसी एक्सरसाइज को लेकर, इन्हीं चीज़ों को लेकर फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और एक दूसरे का हेल्प भी करेंगे।
तो अभी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम लोग अपने में ही ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि स्टेप 1 2 3 4 इस पूरी प्रक्रिया के जो स्टेप्स हैं उसकी मुझ में क्लैरिटी हो गई है कि नहीं हो गई है। इस बात को तय कर लेते हैं कि मैं सीधे स्टेप 4 में जाऊंगा या 1 2 3 करते हुए 4 पे पहुंचूंगा। इस बात को तय कर लेते हैं कि ये सब हम तर्क के रूप में बिठाएंगे अपने में या देखने की क्षमता है और उस क्षमता से देखने का काम करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे। इन सब चीज़ों को ठीक से सेटल कर लेते हैं हम लोग, फिर ये जब एक्सरसाइज करेंगे इतने बैकग्राउंड के साथ तो उसका जो फल परिणाम आएगा काफ़ी सुखद होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं रोक लेते हैं, कल हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जी दीदी, जी धन्यवाद भैया। तो लीव करने से पहले एक बार चैट बॉक्स में जो मैसेज है वो देख लेते हैं। एक तो जो वर्कशॉप शुरू हो रही है इंट्रोडक्टरी इंग्लिश और इंट्रोडक्टरी हिंदी ऑनलाइन मोड में, उसका लिंक है। और जो भी साथी रजिस्ट्रेशन में या और किसी भी टीम में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं तो वो भी जो वॉलंटियर्स के नाम दिए हैं, नंबर दिए हैं, उनको संपर्क करके अपनी जो विलिंगनेस है वो बता सकते हैं। और आरसीस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके आसपास जो भी फेस टू फेस वर्कशॉप हो रही है उसमें जुड़ने के लिए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि रोज की असाइनमेंट को आप कर पाए। तो इतनी बात थी, अभी रोक लेते हैं। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।